तो मार्स हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह जिस पर पृथ्वी के बाहर जीवन संभव है। और क्या आपने कभी मार्स को कभी रात के अंधेरे में आसमान में देखा है? ये भी कोई पूछने की बात है, देखा ही होगा। नहीं। क्या नहीं देखा है? कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, और अगर मार्स नहीं देखा है और अगर देखा भी है तो भी देखते रहो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप रात के अंधेरे आसमान में मार्स को कैसे ढूंढ पाएंगे, और साथ ही साथ उसे कैप्चर भी करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। तो आज जो डेट है वो है 21 अप्रैल, और अभी मैं स्टेलेरियम ऐप का यूज कर रहा हूँ मार्स को लोकेट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्स हमारे जस्ट ऊपर है। पोलुक्स और कैस्टर जो जेमिनी कॉन्स्टिलेशन के दो सबसे ब्राइट स्टार है उसके जस्ट नीचे हमें मार्स दिखने वाला है। तो इसको लोकेट करना तो काफ़ी ईजी था, और आप इसे किसी भी ऐप से लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि स्टार वॉक 2, स्टार ट्रैकर या फिर स्टार चार्ट, कोई भी ऐप चलेगा। तो मैंने जल्दी से अपना कैमरा सेटअप किया और फिर मार्स को शूट करना शुरू कर दिया। पर मार्स को शूट करना इतना आसान काम नहीं था जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि मार्स जो है वो काफ़ी छोटा प्लेनेट है और काफ़ी कम लाइट एमिट करता है स्काई में दूसरे प्लेनेट के कंपेयर से। तो उसे जूम करके लोकेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और यहाँ पे मैंने एक ट्रिक का यूज किया जिसे आप लोग भी यूज कर सकते हो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी डिम दिखाई दे रहा हो और आपको पता नहीं चल रहा हो कि मैंने सही ऑब्जेक्ट की तरफ कैमरा पॉइंट किया है कि नहीं, तो आप ISO और शटर स्पीड को थोड़ा मैक्स कर दे, पूरा मैक्स कर दे, जिसके वजह से वो जो लाइट है वो छोटी से छोटी लाइट भी कैप्चर हो जाए, जिसके वजह से जो फोकस है वो बना रहे और ऑब्जेक्ट जो है वो सही से फोकस में भी आ जाए। तो मैंने काफ़ी देर तक मार्स को शूट किया और इसके बहुत सारे शॉट्स लिए, और कुछ रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे आए हैं। और एक स्मार्टफोन से मैं कितना ही शूट कर सकता था, लेकिन अब बारी थी उन सारी फ़ोटोज़ को एडिट करने की। पर एडिट करने के लिए मेरे पास कोई प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, फिर मैंने नॉर्मल ऐप जैसे पिकशॉट और लाइटरूम से सारे फोटोज को एडिट किया। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. Okay, तो हमारे पास काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी, और उसमें से हम लोगों ने कुछ ही फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके उन्हें प्रोसेस किया था, और रिजल्ट अब आपके सामने है। तो ये है हमारी मार्स की पहली इमेज जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, और आप लोग भी बताना कमेंट्स में कि ये फ़ोटो कैसी है। और अब बढ़ते हैं दूसरी इमेज की तरफ। तो ये है मार्स की दूसरी इमेज जिसको मैंने थोड़ा जूम करके लिया था, और इसमें उतने अच्छे डिटेल्स तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये फ़ोटो मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। और ये है मार्स की फ़ोटो जब उसके ऊपर थोड़े बादल आ गए थे, लेकिन कमेंट में बताओ ये वाली पिक भी कैसी लग रही है। तो ये थी मार्स की कुछ इमेजेस जिसको मैंने अपने स्मार्टफोन से लिया था, और स्मार्टफोन से तो मैंने लगता है काफ़ी अच्छा इमेज लिया है जितना मैं ले सकता था, मैंने अपना बेस्ट दिया। बाकी तुम लोग बताओ कमेंट्स में और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।